देखो गाइस, यहाँ पे डिफरेंस दिखाऊंगा मैं आपको। एक होते हैं मेहनती लोग, एक होते हैं आलसी लोग। मेरी वाली अगर कोई मेरा ये ब्लॉग देख रही है तो देख ले, मैं तेरे इतना कर रहा हूँ। अब इसमें जाए आप कुछ भी हो, कोई सी कोई भी पोजीशन हो, आपके घर पे आपको यही करना होता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंगल टिकट। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं निकल रहा हूँ चंडीगढ़ के लिए, और कुंदन भाई निकल रहे हैं देहरादून के लिए। तो अभी सब सो रहे हैं, तो हम गियर अप हो चुके हैं, गोप्रो भी कर लिया है हमने रेडी, तो लेट्स सी कैसे रहती है जर्नी। चलिए फिर आपको एंजॉय करवाते हैं जर्नी का। जय माता दी। ओ, मैंने मैसेज नहीं किया। जब भी आप निकलो तो किसी ना किसी को बता के निकलो कि आप निकल चुके हो। अपडेट होना चाहिए किसी ना किसी के पास। मुझे मैसेज करना था बुआ जी को, मैसेज नहीं कर पाया, तो कोई आगे से कर लेंगे। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग, गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग, GoPro बेटा, GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back. Made by me, guys. Ye heart shape mein tha pehle. Hello. वेलकम टू सिंगल टिकट। मुझे फोन कर रही थी तूने। अरे बैटरी बहुत कम थी, मैंने देखा नहीं तेरा फोन, फिर मैंने अभी देखा जस्ट 5 मिनट पहले, मैंने कहा पहुंचने वाला हूँ। हेलो नमस्ते, कैसा आप, कैसे हो? बढ़िया। तो हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे गुजिया। मेरे साथ है मेरी बुआ और हमें हमारा अदर हेल्पिंग हैंड, हमें हेल्प करानी है बुआ की फ्रेंड सुनीता आंटी, जो कि गूंथ रही है मैदा, और मैं कस रहा हूँ यहाँ पे कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, मैंने अपना आधा काम फिनिश कर दिया है। मैं नारियल कस रहा हूँ, यहाँ पे बुआ कर रही हैं क्या, ये मावा मावा को फ्राई कर रहे हैं, ये हलवे की तरह हो गया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे हैं, आपको पूरी रेसिपी बताई जाएगी गुजिया बनाने की, और ये ब्लॉग आएगा जब तक, तब तक दिवाली आ चुकी होगी, तो दिवाली में आप गुजिया बना सकते हो। ये नेक्स्ट होली में ट्राई करें। मैम आप ही बताइए, जब ब्लॉग स्टार्ट होता था उससे पहले आप अंदर क्यों गए थे? अंदर मेकअप करने। आप लिपस्टिक लगा के आए हो ना, ईयरबड लगाना तो भूल ही गई यार। अरे गाइस, आपको टेस्ट के लिए इसमें डालना है इलायची कूट के, जैसे ये इलायची डाली है ग्रीन ग्रीन नारियल के ऊपर, अभी इसका सारा मसाला बनेगा। और हमारे पास है ड्राई फ्रूट्स, जिसमें हम यूज कर रहे हैं किशमिश, बादाम को आप ऐसे काट सकते हो, बादाम को ऐसे काट लीजिए छोटे छोटे पीसेस में। देखो गाइस, यहाँ पे डिफरेंस दिखाऊंगा मैं आपको। एक होते हैं मेहनती लोग, एक होते हैं आलसी लोग। आलसी नहीं, शॉर्टकट। तो किसी महान, पता नहीं किसने कहा था, कोई महान व्यक्ति था,
कौन था वो महान? बिल गेट्स ने कहा था, किसने कहा था? गलत मत बोलना, लोग नहीं नहीं कमेंट करेंगे, सच में पक्का नाम उसी है ना? बिल गेट्स ने कहा था, किसी ने कहा था, मतलब कोई बड़ा आदमी था, उसने कहा था कि अगर मुझे कोई काम करवाना है तो वो काम मैं सबसे आलसी आदमी को दूंगा ताकि वो कोई ना कोई शॉर्टकट निकाल ले। तो वो आलसी जो डिस्क्रिप्शन था आलसी वाला, वो इनके लिए था, ठीक है? ऐसे आलसी लोग थे। और जो मेहनती वाला था वो इनके लिए, कुछ लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ लोग स्मार्ट वर्किंग तो नहीं कहूँगा मैं, आलसी होते हैं, तो आलसी लोग हैं। यहाँ पे हलवा है तैयार, लाओ चम्मच, लाओ हलवा खाते हैं। तो गाइस ये मावा, ये इसको हल्का सा मेल्ट किया था, इसका पेस्ट बनाया था, तो ये गर्म था, तो पहले से कुछ देर हमने फ़ैन के नीचे रखा, तब भी ठंडा नहीं हुआ, फिर हमने फ्रिज पर रखा, तब जाके ठंडा हो चुका है। अब ये रेडी है, और इसका जो मसाला है उस पर मिक्सअप होने के लिए, तो अब इसको मिक्स करते हैं, इसकी फिलिंग बनाते हैं गुजिया की। टी ब्रेक भी हो चुका है ख़त्म, कुछ काम चोर लोग थोड़ा सा काम करने के बाद इन्हें ब्रेक चाहिए होता है, फिर एक बंदा भी चाहिए होता है जो चाय बना के पिलाया इन्हें, और नाम बाद में लास्ट में क्रेडिट लेके जाएंगे ये कि हमने गुजिया बनाई है। एक सर्वेंट साथ में होना चाहिए ना, तभी तो मजा आता है। ये हमने दिल्ली से बुलाया है ये सर्वेंट को, दिल्ली से सर्वेंट बुलाया सर इन्होंने, ऐसा वैसा नहीं है। तो गाइस यहाँ पे सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम मेरे को दिया गया है, क्योंकि सबसे रिस्पॉन्सिबल बंदा हम तीनों से मैं ही हूँ, बंदा मैं हूँ, दोनों तो बंदी है। तो सबसे पहले जो पूड़ी है इसको ऐसे रख लें, ये आपको लेफ्ट की साइड या आपको अपनी साइड थोड़ा ज़्यादा रखना है, क्योंकि ये मुझे थोड़ी देर पहले ज्ञान मिला है कि ये साइड आपको ज़्यादा रखना है, क्योंकि ऊपर से ये ओवरलैप होते हुए आएगा तो ये कवर कर लेगा। फिर आपको अपने जितना आपको स्टफिंग करनी है आप स्टफिंग कर सकते हो, ओवर स्टफिंग ना करें और ऐसे गिराए ना। उसके बाद हमने इस पर हल्के से पानी के साथ मैदा मिक्स किया है, हम इसके आउटर लाइन पे ये जो मिक्सअप है हमारा इसको लगा लेंगे, जो घोल है हमारा। उसके बाद इसको हल्के से केयरफुली ऐसे करेंगे, ये पीछे से भी मैदा बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है? आगे से एक बार प्रेस करने के बाद इसको एक्स्ट्रा जो मैदा इसको निकाल लेंगे। और उसके बाद ये है आपके लिए, आपके सामने पेस है मुझे कितने प्यारे शेप में। एक बार मैंने ताले हो जाए, खुद ही ताले हो जाओ बेटा। ये तो भाई इतना हमने बना लिया है। अब कुछ आलसी लोग हैं, उनका भी घी गर्म नहीं हुआ है, हमारा घी कब का गर्म हो चुका है, तो इनका काम भी पेंडिंग है। बाकी आप देख सकते हो ऐसी शानदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। इन्होंने मुझे ट्रैवल ब्लॉगर से फूड ब्लॉगर बना दिया है। फूड ब्लॉगर तो खाना खाने ही जाते हैं, बनाते थोड़ी है। ये कौन सा फूड चैनल बन गया, मतलब ट्रैवल चैनल। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। सब्सक्राइब किया आपने? सब्सक्राइब किया? यस। खुशी आपने सब्सक्राइब किया? गो एंड सब्सक्राइब फर्स्ट। सिंगल टिकट, एक ही टिकट है, दुनिया घूम लो। दुनिया घूमना था, घूम के गुजिया थोड़ी बनाती, तो खाली पेट थोड़ी घूमा जाएगा, खाके घूमोगे। तो गुजिया खाए कौन घूमता है? अभी गुजिया का सीजन है तो गुजिया खाएंगे, दिवाली पे सोन पापड़ी का सीजन है। भाई मेरी स्पीड देख रहा हूँ, कितना फास्ट फास्ट, कितना टैलेंटेड हूँ मैं। नॉट टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड। मेरी वाली अगर कोई मेरा ये ब्लॉग देख रही है तो देख ले, मैं तेरे लिए इतना कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, क्या क्या सीख रहा हूँ मैं, तेरे लिए मैं भुजिया बनाना सीख रहा हूँ। जल्दी सारा तेरे इंतजार है, तू कहाँ है रे पगली? सही बात है, बाद में देखेगी वो जब आएगी। खुशी और किट्टू बोल दो, ऐसे बोलने की भाभी की जरूरत है हमें, जहाँ कहीं भी है। होनहार लड़के संपर्क, मीड होनहार लड़का है, काम करता है, रिस्पॉन्सिबल मैन, तो इसे जल्दी से संपर्क करेंगे। इधर वैकेंसी है अभी खाली है अभी।
एक पोस्ट है वो ना भाभी की पोस्ट खाली है तुमने। तो गाइस यहाँ पे हेल्पर बुला लिया इन्होंने अपना, इनसे हो नहीं रहा था तो इन्हें हेल्पर बुलाया है। ये हैं मिस्टर मुकेश परमार जी, ये कौन से मैनेजर आप, कौन से क्या बोलता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं। और यहाँ पे बैठ के गुजिया बेल रहे हैं इनको देख लो, ये सब ऑफिस में जाए आप कुछ भी हो, कोई सी कोई भी पोजीशन हो, आपके घर पे आपको यही करना होता है। मैं भी कुछ हूँ अपनी कंपनी में, मुझे पता नहीं क्या हूँ मैं, पर मैं भी काम कर रहा हूँ, इतने मैंने कर लिए, इतने सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम मेरा ही है। मैं भी कुछ हूँ, ये भी है कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में, तो कुछ है असिस्टेंट जनरल मैनेजर कंट्रोल कर रखा है इन्होंने पिछले 17 सालों से। ठीक है, ये तो है, ये तो गुरु जी हमारे, ये सर जी है, ये गाइड कर रहे हैं हमें कैसे कैसे करना है। चलो ये भी ठीक है। अब ये स्टार्ट कर रहे हैं हम समोसे बनाने की प्रक्रिया, और ये अब हो चुका है स्टार्ट। और एक बार गुजिया दिखाते हैं आप कि गुजिया कैसी बनी हमारी। तो गाइस ये गुजिया है हमारी, और इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी बुआ का भतीजा मोहित नेगी को, फिर अपने मामू के भतीजे मोहित नेगी को, फिर मैं तो हुई हूँ, और मैं अपने पापा का भी जो बेटा है उसका धन्यवाद करना चाहूंगा, मतलब मोहित नेगी को, तो मैं इसलिए बहुत थैंक यू। तो मैं अभी समोसे बना के आपको बताता हूँ, रेसिपी के लिए कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। मैं देख रहा हूँ आपको, तो मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कैसे कैसे ये पूरियाँ बेलनी है समोसे के लिए, और उस इंस्ट्रक्शन फॉलो करके बना रहे हैं, ठीक है। साथ में हमारी बन रही है समोसे के साथ हरी चटनी, इस पर हमने डाला है पुदीना, ये है कच्चा टमाटर जिसको हमने भून लिया आग में, और लाल टमाटर, धनिया, हाँ चाप, इसको धोना पड़ेगा। तो गाइस एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड मैं पूरियाँ भी बेल रहा हूँ, मेरी गाइडेंस काम नहीं आई, ये नहीं कर पाए, आखिरकार मुझे ही लास्ट में आना पड़ा, तो मैं पूरियाँ बेल रहा हूँ। मैंने इसे काटने के रखा है पिज़्ज़ा कटर, तो इससे हम बीच में इसको डिवाइड कर ले रहे हैं ऐसे, यहाँ पे आज मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, यहाँ पे हो रहा है स्टफिंग समोसे की, तो ये समोसे ये भी दो रखे हैं। नेक्स्ट ये बहन जी 2 रुपए के मिलते हैं, नहीं 5 रुपए का, नहीं अरे ठीक ठीक लगा लो, चलो 5 के 2 दे दो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।